यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 अप्रैल पेपर सॉल्यूशन का। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स अपॉन टू वाई अपॉन टू जेड अपॉन वन फाइव माइनस एक्स। देखिए कभी भी क्वेश्चन को देखो तो एक चीज हमेशा पकड़ना चाहिए आपको कि कहीं पे क्या क्या चीजें और कैसे लिखना है। वाई अपॉन टू जेड अपॉन वन ये तो दिया ही था। इसमें आप सबसे पहले एक्स के टर्म में लिखें तो इसको ऐसा लिखेंगे एक्स माइनस फाइव अपॉन टू, माइनस कॉमन ले लिया, वाई माइनस टू अपॉन पी बाय सेवन जेड माइनस थर्टीन अपॉन फोर। अब एंगल बिटवीन स्पेयर स्ट्रेट लाइन है, 3D का क्वेश्चन है तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला आपको पता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन इनके रूट्स के स्क्वायर्स का सम, राइट। ये तो केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको, आपको ये सब नहीं लिखना है ना टाइम वेस्ट करना है। अब यहाँ पर थीटा आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स टू बाय थ्री, तो इसका मतलब टू बाय थ्री इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए इनवर्स से थीटा कैंसिल हो गया, ए वन ए टू मतलब फोर प्लस टू पी बाय सेवन, आप कितनी स्टेप सेव करते हैं सब उसको इस पर डिपेंड करता है, प्लस फोर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन थ्री, ये थ्री आ गया इन टू रूट। अब इसमें देखिए फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी प्लस पी स्क्वायर बाय फोर्टी नाइन। अब आप एलसीएम वगैरह मत लीजिएगा अभी, नहीं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। ये थ्री से थ्री कैंसिल, टू से ये एक कंप्लीट टू कैंसिल, तो आपको एक तरह से ऐसा मिला ट्वेंटी प्लस पी स्क्वायर बाय फोर्टी नाइन इक्वल टू एट हो गया, तो टू डिवाइड हो गया तो इक्वल टू फोर प्लस पी बाय सेवन। अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो पी स्क्वायर बाय फोर्टी नाइन फिर कैंसिल, तो आपको एक तरह से मिला ट्वेंटी प्लस पी स्क्वायर बाय फोर्टी नाइन इक्वल टू सिक्सटीन प्लस एट पी बाय सेवन प्लस पी स्क्वायर बाय फोर्टी नाइन, ये कैंसिल, ये मिला फोर इक्वल टू एट पी बाय सेवन, तो पी इक्वल टू हो गया सेवन बाय टू, राइट। पी इक्वल टू हो गया सेवन बाय टू। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत टफ, अच्छे क्वेश्चन थे, और आप सब लोग जिनका कि जेई मेंस में कट ऑफ के ऊपर स्कोर आ रहा है उनको जेई एडवांस के लिए किस ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी उसका एक सेशन लिया, फिर बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर के जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन अप्रोच मैंने आपको बताया वो बहुत ध्यान से देखिए, पूरे 18 साल के पेपर जेई मेंस के और इसी तरह से एडवांस के, जिससे आपका एक अच्छा लॉजिक डेवलप होगा। अगले एक महीने आपको इसी ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने करी हुई है आपके साथ, उनको आप एक बार फॉलो करो, आपको फायदा जरूर होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वैक्टर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन। इफ लेट ए वैक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, सी वैक्टर इक्वल टू जे माइनस के एंड वैक्टर बी बी सच डैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वैक्टर एन ए डॉट बी इक्वल टू थ्री, देन वैक्टर बी क्या होगा। वैक्टर बी का मॉड पूछा है, अगर वैक्टर बी पूछा था तो आप ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए आप समझिएगा, क्वेश्चन कभी भी करना हो तो आप पहले एक प्रॉपरली आपके पास है, आप बी वैक्टर को चाहें तो ले लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के, राइट। आपके पास दो कंडीशन है, जैसे ए डॉट बी कितना दिया थ्री, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। एक और बात, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए क्रॉस बी करूँ तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आप डिटर्मिनेंट बना के टाइम वेस्ट मत करिएगा, यही छोटी छोटी चीज़ें जो टाइम सेव करती हैं, जेड माइनस वाई इंटू आई प्लस एक्स माइनस जेड इंटू के प्लस वाई माइनस एक्स इंटू के आई जे के। अब ये इक्वल टू दिया आपको जे माइनस के, इसका मतलब जेड माइनस वाई इक्वल टू जीरो, यानी जेड इक्वल टू वाई, एक रिलेशन ये आ गया। इसके अलावा एक्स माइनस जेड इक्वल टू वन, राइट, एक्स माइनस जेड इक्वल टू वन और वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वन, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, राइट। अब अगर इस रिजल्ट से हम चाहें तो एक्स और एक्स कैंसिल कर लें, एक्स और एक्स कैंसिल कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू जेड ही मिलेगा, यानी आप चाहें तो वाई जेड की जगह वाई लिख दें तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री है आपके पास, राइट। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री है और यहाँ से देखिए क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन है, इसका मतलब वाई इक्वल टू टू बाय थ्री है, वाई टू बाय थ्री है तो जेड भी टू बाय थ्री है, और जेड भी टू बाय थ्री है तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा है, केवल एक्स निकालना, तो एक्स इक्वल टू है वन प्लस जेड, तो इसका मतलब जेड हो गया, सॉरी एक्स हो गया फाइव बाय थ्री, राइट। अब आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी और इसका मॉड निकालना है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ फोर बाय नाइन, फोर बाय नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव बाय नाइन,
ये हो गया रूट ऑफ 33 बाय 9, या ऐसा भी बोल सकते हैं रूट 11 बाय 3. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए लिमिट का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 27 प्लस एक्स की पावर 2 बाई 3. क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आप मेरे साथ जेई मेन्स एडवांस की प्रिपरेशन करो. आपको मैथ्स बहुत सिंपल लगेगी, बहुत अच्छा स्कोर करोगे. जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के कई बच्चे स्टूडेंट स्कोर करते हैं, मैं बोलूँगा उतना आप केवल मैथ्स में कर सकते हो. क्योंकि मैथ्स के पढ़ने का तरीका, पैटर्न आपका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, और वो मैं आपका डिफरेंट अप्रोच के साथ ही करूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में कर पाएं. अगर इसको मैं मेंटली करना चाहूं, सबसे पहले तो मेंटली करूं तो 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें 27 बाहर निकला, तो 1 प्लस एक्स बाय 27 इंटू 1 बाय 3 माइनस 1. देखिए क्या करा है, यहाँ पर 9 बाहर निकाला. मैं स्टेप से भी बताता हूँ, 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स बाय 27 इंटू 2 बाय 3. राइट, ये हो गया. एक तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 81 पूरा कैंसिल, ये 1 बाय 3 कैंसिल, तो माइनस 1 बाय 6 इज अ राइट आंसर. अब देखिए मैंने क्या किया, वो समझते हैं स्टेप वाइज. यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपके टाइम को सेव करती हैं, जो मैं आप हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम हर पेपर में आप देखें तो 5 to 10 क्वेश्चन जेई मेंस में एडवांस में ऐसे होते हैं जो 1 या 2 स्टेप के होते हैं. अगर ये आपने कर लिए तो आप पूरा पेपर बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे. और पहले यही करना, उसके बाद आपको बचा हुआ पेपर करना है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में ये अप्रोच. अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, यानी 1/3 पेपर कर लिया, आप समझ लीजिए बचा हुआ पेपर आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा. अब यहाँ समझिए क्या किया मैंने, 27 कॉमन लिया तो 3 मिला. अब देखिए स्टेप लिखने से नुकसान क्या होता है, तो ये मिला 1 प्लस एक्स बाय 27 पावर 1 बाय 3 माइनस ऑफ 3, यहाँ पर 9 माइनस 27 बाहर निकाला तो 1 बाय 3 पर, सॉरी 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 माइनस ये मिला आपको 1 प्लस एक्स बाय 27 की पावर 2 बाय 3. राइट, अब मैंने इसके बाद की स्टेप क्या की, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 कॉमन लिया, तो स्टेप्स लिखने के ये नुकसान होते हैं कि फिर हम लिखते ही चले जाते हैं. ये 9 लिया तो 1 माइनस, बाकी मेथड से करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 27 की पावर 2 बाय 3. अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 ये 1 बाय 3 बचेगा, वो बात भी 1 बाय 3 लिख देते हैं. यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बाय 27 इंटू 1 बाय 3 माइनस 1, नीचे आएगा 9 कैंसिल कर दिया, 1 माइनस 1 माइनस एक्स बाय 27 इंटू 2 बाय 3. अब देखिए क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, ये 81 हो गया, 81 से 81 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एक तरह से 1 बाय 3 अपॉन माइनस 2 बचा, तो माइनस 1 बाय 6 इज अ राइट आंसर. जबकि मैंने इसमें बहुत सारी स्टेप्स कम लिखी हैं, कम स्टेप लिखने के बाद भी इतना टाइम लगा. आप अगर इस तरह से करते तो आप सोचिए कितना टाइम बचता. हर क्वेश्चन में अगर आपने 1-2 मिनट बचाए, हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आप एक क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हो, अटेम्प्ट को बढ़ा रहे हो, यही तरीका है क्वेश्चंस को बढ़ाने का. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लेट एम एंड एम बी रिस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x + 5 इन द इंटरवल 0 to 3. देखिए जब भी इंटरवल दिए हों तो क्लोज इंटरवल में बताना है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस, इनको भी कंसिडर किया जाएगा. जैसे 0 पे अगर हम देखें तो कितना आएगा 5, और अगर हम 3 पे वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 27, यानी मेंटली करो 54 माइनस 81, 99 81 प्लस 36 प्लस ऑफ 5, राइट, ये हो गया 60 90 95, ये आ गया 14. ये भी लगेंगे, और अगर बीच के कोई इंटरवल आ रहे हैं तो वो चेक करिए. जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन लिया तो x² माइनस 3x प्लस ऑफ 2, एक्स अब 0 से इक्वेट किया देखिए आपने तो आपको मिला 1 एंड 2. जितना टाइम सेव कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करने का टाइम वेस्ट मत करिएगा. फिर रूट निकालना है किस पे मैक्स मिनिमा है, कोई जरूरत नहीं. एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिनिमा में अगर क्लोज इंटरवल है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस. अब क्या करा आपने, जब इसको ये 1 2 आ गया, 1 रखिए तो 1 रखा तो 1 14 प्लस 5 19 माइनस 9 ये मिला 10, 2 रखिए 8 16, 2 का स्क्वायर 4 36 प्लस 24 प्लस ऑफ 5, राइट, ये हो गया 45 माइनस 36 9, सॉरी. तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होगा, 14 माइनस 5 आपने किया तो आपको 14 माइनस 5 मिल गया
9, तो करेक्ट आंसर विल बी 9. आप में से कई लोग ये भी कर सकते हैं कि 10 माइनस 9 निकाल के 1 रख दें, पर 1 नहीं, 1 पे नहीं, पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बताना होता है. तो ये एक पॉसिबल मिस्टेक है जो बहुत लोगों ने की हुई है, वो नहीं करना है. छोटी छोटी चीज़ें जिन पर ध्यान रखना है. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है. द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 टू द पावर एन इक्वल टू 1. देखिए जैसे ये 1 प्लस रूट 3 दिखा, 1 माइनस रूट 3 दिखा, क्लिक क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है. इसलिए मैं फिर बोलूंगा, आप मेरे साथ जेई मेंस एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मेरे तरीके से करिए, आपकी अप्रोच में वो चेंज आ जाएगा. और बहुत ही फाउंडेशन के साथ ही करना है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, बहुत ज़्यादा बुक सॉल्व नहीं करनी. ऐसे कई बच्चों का फ़ोन आया मेरे पास जिन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स की थी, और कई सारी बुक्स से हम कभी भी टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाते. ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, सब चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं. आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े हैं और मेरे तरीके से आप देखो मैथ्स को पढ़ने का तरीका या सोचने का अप्रोच, आपके अपने आप स्कोर्स बढ़ने लगेंगे. अब देखिए क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 पावर एन. अब आप देखिए ओमेगा क्या होता है. अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलते हैं ओमेगा माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2. ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आप बोलते हैं माइनस 1 माइनस रूट 3 इसमें किसी को भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोल दें. अगर मैं बोलूं इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आप बताओ क्या आता है. और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आता है 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा. एक तरह से आपको ये ओमेगा दिया है, ओमेगा पावर एन इक्वल टू 1. तो आपको पता है ओमेगा क्यूब होता है 1, तो एन की वैल्यू हो गई 3. यानी आप इतने सिंपल तरीके से भी कर सकते थे क्वेश्चन को. आप पहले रैशनलाइज करते या कुछ करते हो, टाइम अननेसेसरी जाता है. तो छोटी छोटी चीज़ें जो ब्रेन में आना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर सकें. और ऐसे 10 हर क्वेश्चन नहीं होगा मान लिया, पर जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करिए. क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए, यानी 1/3 पेपर आपने बहुत ही सिंपल अप्रोच से कर लिया, तो बचा हुआ टाइम आपके पास जो एडिशनल है वो आपको टफ क्वेश्चंस को करवाने में हेल्प करेगा. नोट डाउन दिस क्वेश्चन.